एक बार की बात है, एक चुड़ैल का बच्चा नट्टू अपनी माँ से बिछड़ जाता है। तब संजू उसकी जान बचाकर सब गांव वालों से छिपाकर उसे अपने घर में रख लेता है। इस लड़के को कब अकल आएगी, कभी भी अपने आप नहीं उठता। जब तक ये मुझसे चार बातें ना सुन ले ये उठेगा ही नहीं। आज तो मैं इसे मौरे बगैर छोड़ूंगी नहीं। संजू माँ के शोर की आवाज़ सुनकर उठकर बैठ जाता है। उठ जा नट्टू, माँ आ रही है। उठ जा मेरे भाई, माँ आ रही है। अगर माँ ने तुझे देख लिया तो तेरे साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देगी। क्या करूँ क्या करूँ, कहाँ छुपाऊँ इस नट्टू को। हाँ अलमारी, हाँ ये जगह ठीक है, मैं इसे अलमारी में छुपा देता हूँ। माँ को कुछ पता भी नहीं चलेगा। संजू नट्टू को अलमारी में छुपा देता है। इतने में ही माँ आ जाती है। संजू तू कब सुधरेगा, तुझे पता है कि मैं कितनी देर से तुझे जगाने के लिए आवाज लगा रही हूँ। माँ संजू से ये सब बातें कर ही रही होती है तभी बाहर से उन्हें गांव वालों की आवाजें सुनाई देती है। संजू और संजू की माँ बाहर जाकर देखते हैं। क्या हुआ, क्या बात है, आप सब लोग एक साथ? बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए हम सबको तुम्हारे घर आना पड़ा। आखिर बात क्या है बताओ तो सही। कल तुम्हारे घर की छत पर इमली ने एक भूत को देखा। क्या भूत? संजू की माँ, क्या तुम्हें भूत के बारे में कुछ भी नहीं पता? सच में मुझे भूत के बारे में कुछ नहीं पता कि वो भूत मेरी छत पर कैसे और कहाँ से आया। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुम सब गांव वालों को बताती नहीं? क्या तुम्हें कुछ पता है उस भूत के बारे में? नहीं तो भूत के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सभी गांववासी आपस में बात करते हैं। लगता है इन्हें उस भूत के बारे में कुछ नहीं पता, पर तुम लोग सावधान रहना। फिर सभी गांववासी संजू के घर से चले जाते हैं। गांव वालों के जाते ही संजू की जान में जान आती है और वो मन में सोचने लगता है। नट्टू को किसी भी तरह इन गांव वालों की नजरों से बचाकर रखना पड़ेगा। संजू अपने कमरे में जाता है और उसे समझाने लगता है। नट्टू देखो, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम यहीं घर में ही छिपे रहना। गांव वालों को तुम्हारे बारे में पता लग चुका है, तुम गलती से भी किसी के सामने नहीं जाओगे। ठीक, नहीं आऊंगा। संजू नट्टू को समझाकर खेत पर काम करने चला जाता है। नट्टू वहीं कमरे में छुपा रहता है, वहीं कमरे में खेलता रहता है। नट्टू को खेलते खेलते नींद आ जाती है और वो सो जाता है। शाम को संजू की माँ किसी काम से और वो नट्टू को देखकर डर जाती है। भूत! संजू की माँ नट्टू को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इतने में ही संजू खेत से काम करके आ जाता है और वो देखता है कि माँ ने नट्टू को देख लिया है। ये भूत हमारे घर में कैसे आया और ये कौन है? संजू माँ को नट्टू के बारे में सब बताता है। नहीं आऊंगा, भूत नहीं, माँ डरो नहीं। संजू की माँ हैरान होकर नट्टू को बड़े ध्यान से देखने लगती है। संजू की माँ को नट्टू के ऊपर बड़ी दया आती है। अच्छा अच्छा, अब रोना बंद करो, हम तुम्हें तुम्हारे घर जरूर भेजेंगे। ऐसे ही नट्टू को संजू की माँ और संजू के साथ रहते रहते काफी समय हो गया था। नट्टू संजू को भाई और उसकी माँ को माँ कहने लगा था। संजू और नट्टू दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब नट्टू आम लोगों की तरह बोलने लगा था। नट्टू के अंदर अद्भुत शक्तियां आ गई थी जो नट्टू को भी नहीं पता थी। नट्टू जिस चीज की इच्छा जाहिर करता वो चीज उसके सामने आ जाती। एक दिन की बात है, संजू की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उनके घर का सारा खाने पीने का सामान खत्म हो जाता है। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। संजू के इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। पहले ही साहूकार से इतने रुपए ले रखे हैं, अब वो और उधार नहीं देगा। अब तो मुझे ही खेत पर जाकर काम करना पड़ेगा। ये सब सोचते सोचते संजू की माँ को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। इन सब लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है इनकी मदद करने का, पर मैं तो एक भूत हूँ। इस वजह से मैं बाहर काम करने भी नहीं जा सकता, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ। काश संजू और उसकी माँ को खाने और पैसों की कोई कमी ना हो, जिसकी वजह से माँ को काम करने ना जाना पड़े। नट्टू के सोचने के साथ ही देखते ही देखते बहुत सारा बढ़िया बढ़िया खाना और बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। मेरे सोचने के साथ ही खाना और पैसे आ गए, यानी ये सब मेरी शक्ति से हुआ है।
मैं जो भी चाहूंगा वो चीज सामने आ जाएगी। अब तो माँ और संजू को इसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। माँ खाना और पैसे देखेगी तो खुश हो जाएगी। नट्टू चुपचाप जाकर संजू के पास सो जाता है। माँ को आधी रात के समय प्यास लगती है तो वो रसोई में पानी पीने के लिए जाती है। अरे इतना सारा खाना और पैसे कहाँ से आए? इन्हें कौन लाया होगा? खाना, इतना सारा खाना और पैसे भी? अरे संजू नट्टू जल्दी उठ, देख। क्या हुआ माँ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? देख ना कितना सारा पैसा और खाना भी, पता नहीं रसोई में कैसे आया। माँ ये सब आपका है, आपने और संजू ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। माँ आप और संजू खाना खा लो। नट्टू माँ और संजू को खुश होता देख खुद भी खुश होता है। एक दिन की बात है, नट्टू रात को घर की छत पर अकेला बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। माँ तुम कहाँ हो, मुझे कब मिलोगी? आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। संजू और उसकी माँ नट्टू को घर में ना पाकर उसे छत पर ढूंढने आ जाते हैं। नट्टू तुम यहाँ छत पर अकेले बैठे क्या कर रहे हो? संजू आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। नट्टू तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें कुछ तो याद होगा कि तुम्हारी माँ धरती पर कब कब आती थी। मुझे बस इतना पता है उस दिन अमावस की रात थी। मेरी माँ और बाकी के सभी लोग उस दिन जंगल में तांत्रिक पूजा करने आए थे। अमावस? अमावस तो कल है, हम कल ही जंगल में उसी जगह जाएंगे जहाँ तुम्हारी माँ आई थी। संजू क्या मुझे मेरी माँ मिल जाएगी? हाँ तुम्हें तुम्हारी माँ जरूर मिलेगी। जब संजू और संजू की माँ नट्टू से बातें कर रहे थे तो उन सबको अपनी छत से एक औरत देख रही थी। अरे मैया रे, संजू और संजू की माँ भूत के साथ रहते हैं, यानी इन लोगों ने गांव वालों से भूत वाली बात छुपाई। मैं कल ही गांव वालों को सारी बात बताऊंगी। फिर कुछ ही देर बाद संजू माँ और नट्टू भी नीचे आकर सो जाते हैं। अगली सुबह संजू और नट्टू रात होने का इंतजार कर रहे थे, उधर वो औरत सभी गाँव वालों को बताती है। अरे कल रात मैंने संजू और उसकी माँ को भूत से बातें करते देखा था। संजू और उसकी माँ ने भूत को अपने साथ रखा हुआ है। चलो अभी संजू की माँ के पास चलते हैं। फिर सभी गाँव वाले इकट्ठा होकर संजू की माँ के पास जाते हैं। संजू की माँ, अरे ओ संजू की माँ, बाहर निकल। क्या हुआ, ये आप सभी लोग मेरे घर, क्या हुआ? संजू की माँ तू तो ऐसे अनजान बन रही है जैसे कुछ जानती ही नहीं। मैं आप लोगों की बात नहीं समझी। क्या तूने एक भूत को अपने घर में छिपा कर नहीं रखा? अब समझ में आया कि तू इतनी अमीर कैसे बन गई। अभी के अभी उस भूत को बाहर निकाल। भूत? मेरे घर में कोई भूत नहीं है। घर के अंदर संजू और भूत गांव वालों की बातें सुन रहे थे। अब क्या होगा नट्टू, ये गांव वाले तो तुम्हें मार ही डालेंगे। तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर सभी गांव वाले जबरदस्ती संजू के घर में घुस जाते हैं और वो पूरा घर छान मारते हैं, पर उन्हें भूत कहीं नहीं मिलता। नट्टू गांव वालों को दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो संजू और माँ को दिखाई दे रहा था। अरे यहाँ तो कोई भूत नहीं है, कहीं तुमने किसी और को तो नहीं देख लिया? मैं सही कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आँखों से उस भूत को इनकी छत पर देखा था। संजू की माँ हमें माफ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई। फिर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। नट्टू ये तुमने कैसे किया, तुम गायब कैसे हो गए? अपने जादू से। कुछ ही देर में शाम हो जाती है और जैसे ही रात होती है, संजू जल्दी करो हमें नट्टू को गांव वालों से बचाकर जंगल में ले जाना होगा। फिर जैसे ही वो सब जंगल में पहुँचते हैं, वहाँ चुड़ैलों को तांत्रिक पूजा करते हुए देखते हैं। माँ संजू देखो वो रही मेरी माँ। नट्टू अपनी माँ को देख देख कर बहुत रोता है। मेरा बेटा तू कहाँ चला गया था? फिर नट्टू अपनी माँ को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताता है। तुम लोगों ने मेरे नट्टू का इतना ख्याल रखा, उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद करती हूँ। संजू ये जादुई लॉकेट है, जब भी तुम्हारा नट्टू से मिलने का मन करे तो इस लॉकेट को अपने हाथ में लेकर याद करना, नट्टू तुम्हारे सामने होगा। फिर चुड़ैल नट्टू को लेकर अपनी दुनिया में चली जाती है।